अंबिकापुर से बिलासपुर तक का सफर का मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो तैयार हो गई ना? लप 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 कर रहा है। अभी हम लोग उदयपुर पहुंच गए हैं, रास्ते में ही है। कुछ बच्चे लोग कुछ खाएंगे करके खरीदने के लिए गए हुए उधर दुकान में। तो दोस्तों अभी हम लोग मोरगा पहुंच गए हैं। बाकी उधर तीन लोग गाड़ी में ही खा रहे हैं, हम लोग इधर आ गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं बिलासपुर और ये है होटल। तो हम लोग आ गए अपने रूम में और बहुत ज्यादा थकान भी लग रहा है, बहुत लंबा सफर किए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे मैं कहीं जा रही हूँ। तो अभी तो घर से निकल गई हूँ, अपने घर से निकल गई हूँ, जा रही हूँ दीदी के यहाँ और वहाँ से जा रहे हम लोग बिलासपुर जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ी में जा रहे हैं। ऐसे तो मेरे को पता था पहले से ही, पर आज जाएंगे ऐसा नहीं था, कल जाएंगे ऐसा था, पर आज जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं वो वहीं जाके बताऊंगी। तो बस निकल गए हैं घर से, तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी को बता देती हूँ और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और पीछे का अभियान सो रहा है। बस अभी कितना टाइम हो रहा होगा, 5 बज गया। वो 5 बज रहा है और अभी शाम का समय है मतलब, तो अभी निकल रहे हैं और यहाँ से जाएंगे दीदी के यहाँ। तो दीदी लोग भी जा रहे हैं, मतलब दीदी लोग के थ्रू ही हम लोग जा रहे हैं। तो दीदी लोग को सुटी दीदी भी जा रही है, उसकी पूरी फैमिली और हम लोग की पूरी फैमिली और विश्रामपुर वाली दीदी की मतलब दीदी जी जा रहे हैं दोनों। तो बस वहाँ विश्रामपुर जाएंगे, दीदी लोग भी जाएंगे साथ में, तो फिर चलेंगे वहाँ से निकलेंगे। तो बस रास्ते में पहुँचने वाले हैं। तो ऐसा ही ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और मिलती हूँ बाय बाय तब के लिए। तो हम लोग पहुँच गए दीदी के घर, दीदी लोग पहुँच गए इधर, दीदी के लोग। अरे सिबू इतना ज़्यादा है, अभी खुश हो गया है। तो तैयार हो गई ना? सेवा जोहार तो इधर जोहार भेंट हो रहा है, सेवा जोहार हो रहा है। तो लगाई दीदी खतरनाक ही लगाई, कौन लगाया? मैं नहीं लगाती, मेरे को तो एलर्जी है ना सबसे, मैं दूर रहती हूँ सबसे। सिबू खेलने के लिए आया है अपने, एकदम खुश हो रहा है। सिबू बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। हाँ कितना खेलने हो रहा है, बुरा हुआ रे अभी मेरे को खिलाने वाले आ गए है ना। अभी छोटी भी तो सूट उट बहुत ज्यादा। तो दीदी लोग तैयारी हो चुकी है, बैग वगैरह पैक कर लिए हैं, चलेंगे। सामान वगैरह डाल दो, चल चलो। घर में चलना, कुछ नहीं करेगा। और तो उसके दीदी है ना, ले जा कभी। बस निकल रहे हैं, सामान वगैरह डाल रहे हैं इधर दीलो का, उसके बाद चलेंगे। सिबू लप 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 कर रहा है जीभ को एकदम।
आधा बेटा मत कर, ऐसे आप क्यों ऐसे करते हैं? प्यार से बुलाई तो जोड़ खींचते हैं जी आप गला तुरंत बुलाए सुनता है कहाँ पे बाय। हाँ हाँ अब एक दिन के लिए जा रहे हैं। लोग उदयपुर पहुँच गए हैं, रास्ते में ही हैं और बहुत लेट हो गए हैं। इधर धीरे बस रुक गए हैं, यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे लोग कुछ खाएंगे करके खरीदने के लिए गए हुए हैं उधर दुकान में, जो भी खाना चाहेंगे तो बिस्किट वगैरह लेस कुरकुरे तो वही लेने के लिए रुक गए हैं। और ये उदयपुर का चौक है, काफ़ी लेट हुआ हम लोग ना वहीं से निकले, जब ना 3-4 बजे निकल रहे थे, थोड़ा काफ़ी आगे भी पहुंच जा रहे थे पर थोड़ा सा लेट हो गया इसकी वजह से। उदयपुर में ही है यहीं, और अभी पहुंचते तो लग रहा है 11-12 बज जाएगा। क्या ले रही थी? ओरियो नींबू पानी आ नहीं मिलेगा ना मेरे को, नींबू चाहिए था। हाँ सब्जी वाला मार्केट नींबू पानी चाहिए। बोला रहन जी जिस चाहे भी हाँ। अब मोर्गा पोस्टर बहुत लेट लगे जी, आधा घंटा। तो दोस्तों अभी हम लोग मोर्गा पहुंच गए हैं, रास्ते में ही है मोर्गा और ये जयसवाल भोजनालय के पास पहुँच गए हैं। ये मतलब होटल है, समोसा वगैरह सब नाश्ता वगैरह मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे दीदी खा रही है गाड़ी में, हेलो तो खा रही है बड़ा, और बच्चे कच्चे इधर बैठे हुए हैं सब। हेलो 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 हेलो, तो सब बच्चे कच्चे के साथ इधर, मतलब सोचे कि यहाँ पे चलो ये नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं कितना टाइम पहुँचेंगे तो खाना वाना खाएँगे, तो नाश्ता कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये बड़ा दीदी इधर समोसा खा रही है और मैं बड़ा मंगा लूँ, अरे चम्मच भी गिरने वाला था तो मैं खा लेती हूँ। बाकी उधर दी लोग गाड़ी में ही खा रहे हैं, हम लोग इधर आ गए हैं होटल में खाने को, काफ़ी भीड़ लगा है इधर देखिए पीछे, ठीक लग रहा है बनी। हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं और उसके बाद अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। नहीं अंधेला बहुत है दी, मेरा थोड़ा दिख रहा है इधर रोशनी है ना। तो ठीक है चलते हैं मोर्गा से निकलते हैं अब बिलासपुर के लिए, ठीक है सही ब्लॉक में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आगे। छोटे का इधर रही है वेट में लगे हुए, खाना अभी ऑर्डर दे दिए हैं, अब आ जाएगा तो खाएंगे। बाकी जी मेरी हालत खराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया ना इसकी वजह से हालत खराब है। अभी तो थोड़ा सा भीड़ का आवाज़ सुनाई दे रहा है, खाना मैंने खा रहे हैं सभी तो, और ज़्यादा लंबा सफ़र मैं कर नहीं पाती हूँ, और बीच बीच में ऐसे ब्लॉग बना ले रही हूँ जैसे भी रुक रहे हैं बीच बीच में तो। और अभी तो थोड़ा क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो रहा है, थोड़ा सा हालत भी ख़राब हो रहा है, ज़्यादा लंबा सफ़र कर नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन दिन में ऐसे करती हूँ सफ़र, तो उसकी वजह से हालत ख़राब लगता है, सिर में दर्द हो रहा है।
तो ठीक है अभी हम लोग वेट करते हैं कहाँ जाएगा, उसके बाद खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे तो फिर बिलासपुर पहुँचेंगे। ठीक है तो मेरे को कैसे बने रही है ना, तो भी खाना ऑर्डर किए थे वो आ गया है दे रहे हैं भैया। थोड़ा भीड़ है इसकी वजह से वेट करना पड़ गया और आ गया है लगभग चावल दाल सिंपल ज़्यादा ही खा रहे हैं क्योंकि अभी ट्रैवल कर रहा है फिर से जाना है 50 किलोमीटर फिर से। तो ये देखिए आ गया है तो अब खाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग खा लिए उसके बाद एक तीनों दिया और ये खा रहे हैं तीनों, लास्ट में यही बचा है तो ये खा रहे हैं हम लोग, खा रहे हैं बाकी सब बच्चे खा रहे हैं। हाँ ठीक है तो बस हम खा लेंगे कुछ चले जी हाँ ये खा लीजिए आप लोग फिर चलेंगे बाकी हम लोग खा लिए हैं बच्चों को भी खा लिए हैं तो चलेंगे अब खा के निकल गए जी लोग उधर चले गए हैं जा रहे हैं खा के थोड़ा बहुत डाल ले रहे हैं जी ये लोग जब तक नहीं आए हैं जी ये लोग। इतना प्यारा सजाया है नदी बस सजाया बहुत प्यारा लग रहा है तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बिलासपुर और ये है होटल राजा। तो इस होटल में हम लोग आज रुकेंगे, काफ़ी रात भी हो गया 12 बज गया है, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है और बहुत रात हो चुका है तब जाएंगे सीधा। अब बस ये लोग रूम वगैरह देखने के लिए गए हैं ऊपर। हाँ 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 जाएंगे चलेंगे चलेंगे तो बस रूम वूम देख के आएंगे जी लोग फिर चलेंगे सामान वगैरह पकड़ के तो बस यहीं पे हैं वेट कर रहे हैं। ये प्यारी बच्ची है तो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बस थोड़ा सा कुछ अभी ऊपर आ गए हम लोग कौन सा रूम है ये क्लीन है तो आ गए और थोड़ा सा दिक्कत गया क्योंकि आधार कार्ड था नहीं हमारे पास मेरे पास और उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि ये सब में ना होटल वगैरह में आधार कार्ड या कुछ भी ऐसे प्रूफ दिखाना पड़ता है तो मैं पकड़ी नहीं थी। मैंने सोचा कि एक जन के में ही हो जाएगा उनके में तो चल जाएगा लेकिन यहाँ दोनों का ही मांग रहे थे तो फिर मेरे पास था नहीं तो वही मोबाइल में वो ना देख रहे थे कि फ़ोटो वगैरह मैं लिया रहता हूँ ऐसे करके तो वही वो देख रहे थे फिर बहुत टाइम तक देखे तो फिर मिला तो वही जमा उमा किए उसके बाद अभी हम लोग रूम में आ गए हैं और बाकी दी लोग भी अपने अपने रूम में चले गए हैं तो इसलिए थोड़ा समय लग गया और काफ़ी रात भी हो गया है 12 से ज़्यादा ही हो गया है तो हम लोग आ गए हैं अपने रूम में और बहुत ज़्यादा थकान भी लग रहा है बहुत लंबा सफ़र किए हैं अभी तो और अभी चलती हूँ सो जाती हूँ और मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में। बहुत ही स्पेशल होने वाला है तो कल वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा और आज का मेरा अंबिकापुर से बिलासपुर तक का सफ़र का मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है जो जहाँ जहाँ पर मैं रुकी क्या क्या की तो आप सभी को कैसा लगा है छोटा सा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी